अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कसौटी मैं होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं जवाद साहब, हमज़ा और असद। बंदा मैंने सोच लिया है, तो इनके पास 20 सवाल हैं और ये अपने सवाल शुरू करें अब, और फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कौन सा बंदा सोचा था अगर इन्होंने गेस ना किया तो। चलें जी शुरू। अच्छा जी, जिंदा? नो। मेल? मेल। ठीक है जी। ताल्लुक एशिया से है जी? नहीं। यार ये मुझे पिछले गेम वाली फीलिंग आ रही। यस। अमेरिका से ताल्लुक? यस। अमेरिका। अच्छा, अब एक चीज हो सकती है कि अमेरिका से मतलब यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो है ना, कॉन्टिनेंट है ना, वो तो जवाब आता है। अर्जेंटीना भी आता है। बहुत अच्छा कवर किया। वेरी गुड। बहुत अच्छा कवर करें कि नहीं? नहीं यार, मैं आज तक अमेरिका दवाई का नाम समझता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ताल्लुक यूएस ही समझते हैं हम, इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, ताल्लुक वो मेरे ख्याल में के मीडिया ही है, एंटरटेनमेंट और मीडिया ही। पूछ लेते हैं, एंटरटेनमेंट से? हाँ। ठीक हो गया। से भी है। से भी है, बस। ठीक है, अब दूसरा जो है ना वो डेफिनेटली जो दूसरा ताल्लुक है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स से होगा। क्यों? मेजर स्पोर्ट्स वाले बंदे ही एंटरटेनमेंट में नहीं, में अमेरिका में। यार अमेरिका के कई ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आपके शोज पे आए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादातर की? ज्यादातर की। तो ज्यादातर अगर इतना कॉमन उसने रखना होता तो कसौटी खेल रहा होता। ज्यादातर की बात। अच्छा जी, यानी कि एंटरटेनमेंट की मेजर वजह शोहरत नहीं है? नहीं, ये नहीं मैंने कहा। यानी कि वजह शोहरत एंटरटेनमेंट की है? है, और भी हैं। और भी हैं? और भी। अच्छा जी, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? नहीं। इसके अलावा मेजर वजह शोहरत यही है, इसके अलावा जी इनका जो दूसरा ताल्लुक है वो सियासत और हुकूमत से है? नहीं। एंटरटेनमेंट? अच्छा जी, अब एंटरटेनमेंट में? एंटरटेनमेंट में मूवीज वगैरह करता है ये बंदा? नहीं, उसमें मूवीज करने में क्लियर करो थोड़ा सा। एक्टर है? एक्टर है। एक्टर भी है? भी। रेसलिंग को स्पोर्ट्स में तो नहीं ले रहा? नहीं नहीं, ये तो अब सवाल करोगे तो फिर मैं ना, रेसलिंग स्पोर्ट्स में होती है यार, वो तो डेफिनेट स्पोर्ट्स है रेसलिंग, बॉक्सिंग। एक्टिंग भी है रेसलिंग? नहीं यार, उसको स्पोर्ट्स कंसीडर किया जाता है। हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक, वो नहीं है रेसलिंग, नहीं है स्पोर्ट्स का, इसने नो। लेकिन मैं फिर भी एक सवाल जाया करूं। नहीं, अब रेसलिंग वाला बंदा स्पोर्ट्स, रेसलिंग वाला बंदा फिल्मों में भी आते हैं। हाँ तो वही तो रेसलिंग स्पोर्ट्स है। अगर आप ये कहते हो, तूने कहा स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है। हाँ मैंने तो यही कहा, स्पोर्ट्स से ताल्लुक। तो मतलब रेसलिंग स्पोर्ट्स होती है? हाँ जी बिल्कुल, रेसलिंग स्पोर्ट्स में ही है। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन जाया कराना चाह रहा था। नहीं, एक असली रेसलिंग होती है और एक हम दोनों रेसलिंग की बात कर रहे हैं, रेसलिंग स्पोर्ट्स का हिस्सा है भाई। नहीं, वैसे जो नकली अली रेसलिंग है स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है। कीड़ी नकली अली, ये जो एक्टिंग हो रही है WWE वाली। हाँ ओके, दोनों ही है। क्वेश्चन जाया ना करो, अब बंदे पे आओ। अच्छा जी, एक्टर भाई मैं सवाल जाया करूँगा। ये बंदा रेसलिंग खेलता है? ना कर यार, नहीं है वो। देखना यार, मैंने सवाल जाया किया, मैंने क्या क्या जाया किया, मैं तसल्ली होगी मेरी दिल की। बेटे एक सवाल से आ रहे ना, ये बड़ा बड़ा वो होना है, ठंड है, मैंने ठंडा पानी रोड देना। एक से चुप कर जा। एक्टर भी है? एक्टर भी है। पॉलिटिशियन नहीं है? स्पोर्ट्स में नहीं है? एंटरटेनमेंट से तल्लक है? एंटरटेनमेंट में आगे हॉलीवुड और हॉलीवुड से। अच्छा, ये बंदा कोई शोज वगैरह होस्ट करता है या रहा है, करता रहा है? होस्ट है? नहीं, कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि होस्टिंग में रहे हो और ये एक आदमी कोई इस तरह हुआ हो कि शो नहीं है होस्ट। ठीक है जी, नो होस्ट। अच्छा, अभी एक चीज और है कि एंटरटेनमेंट के अलावा भी इनका किसी और चीज से ताल्लुक? हाँ है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स नहीं है, पॉलिटिक नहीं है, बिजनेस हो सकता जी? हो सकता, हो सकता। बिजनेस, कॉमेडियन है?
एक्शन हीरो हर वैसे जेनर भी है, हर जेनर पे एक सवाल जाया कर लो। हाँ जेनर हाँ जेनर 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 यार सोच यार तेरा दिमाग क्या जीरो में मैं पानी तो पानी पी रहा हूँ बेचना तेरा दिमाग अपना आगे फ्रेश रख के यार ये अब इसमें आधे से ज्यादा सवाल मैंने पहले सोचे होते तुमने पूछ ली ये तो अब असद के फिल्मों वाला सीन है सारा। ये मैं आ रहा हूँ जी जी पूछिए अगला सवाल। एक्टर भी बंदा कौन रहा है? ऑडियंस से पूछ रहा था। अबे एज किधर चला जाएगा, तुमने अजीब सवाल लिया। एज कब डालते जब तुम एक चीज में घुस चुके हो। हाँ नॉट लाइव और एंटरटेनमेंट से अलग रहा, इतना कौन सा मशहूर लाइव सिंगर लाइव है सिंगर वो ये डेथ हो गई हुई है लो ओल मैसेज यार जबर लोगे अब मुझे ये। अच्छा एक और चीज भी मैं कर लूँ उसमें कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इसका पता है कि नहीं पता कि लेकिन दुनिया को इसका पता है। इसमें आपने चीज सोचना है थोड़ा सा इस समय सोचो। हाँ ये अगर एंड तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है मैं थोड़े और हिंट दे दूंगा। ये कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सिंगर का पूछ ले। हाँ पूछ ले। यार पहले ये पूछ डेथ हुए कितना अरसा हुआ है। हाँ ये बात तेरी वाकई ठीक है। ये माइकल जैक्सन भी हो सकता है फिल्मों में भी है। माइकल जैक्सन का ही सोच रहा हूँ मैं पिछले 5 मिनट से। खैर जा अच्छा साथ ही ना चौड़ा हो जाए। अल्लाह की कसम पिछले 5 मिनट से माइकल जैक्सन मेरे दिन में जैसे ही ये नॉट लाइव था सबसे पहले माइकल जैक्सन। चलो क्रेडिट तो पहले ही ले जाने को फिरते हैं। अच्छा मैंने कहा था नॉट लाइव तुम तो जिंदे में कड़ी कड़ी। बंदा जो है ये 2010 से पहले डेथ हुई है? नहीं हुई है वो 2010 से पहले फोत हुए। अबे 2011 में फोत हुए। अच्छा पता नहीं मुझे ठीक है मजा नहीं लगता। सिंगर थे जी? नो मांगते नहीं सवाल नहीं ना वैसे भाई। एक मुझे माइकल जैक्सन का ही पता था। चल उठ जाओ फिर चाय ले जाओ। चाय ले क्यों? सिंगर भी नहीं है, एक्टिंग की हुई है, होस्ट भी नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है। सवाल तेरा हुए अभी। कौन बंदा एक है? कॉमेडियन कॉमेडियन पूछ लिया उसने। नहीं पॉलिटिशियन भी नहीं है ना। हाँ पॉलिटिशियन भी नहीं है। एक्टर यार ताल्लुक इसका सिर्फ अमेरिका से ही है पहले ये तो पूछ लो। हाँ ड्यूल नेशनलिटी भी कह दिया उसने उसने ऐसे 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 तो वो सवाल पहले ही पूछा हुआ क्या अमेरिका से ताल्लुक है तो है तर नहीं कई होते हैं पैदा कई नेटिव अमेरिकन होते हैं ना लेकिन उस पर फिर उसने कहा था भी है नेटिव अमेरिकन पे ना तो वो बोल देता भी है। ओ नहीं 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 तो पक्का स्पोर्ट्स था। फील्ड पे आ ब्रो। फील्ड एक तो होगी ना मेजर फील्ड एंटरटेनमेंट है इसके साथ कोई और छोटा मोटा होगा जरूर कारोबार। बिजनेसमैन पूछा तुमने? नहीं तो पूछो। बिजनेसमैन पूछा यार? नहीं पूछा। कहां पूछा? हां नहीं पूछा हमने सोचा था पूछा नहीं। हां पूछ बिजनेस से ताल्लुक है जी। बिजनेस से भी है। बिजनेस से भी है। बिजनेस से भी है फिर मरा भी हो सकता है। अब उस पे आओ मरा कब है। ओए 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 वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला पॉल वॉकर। पॉल वॉकर तुझे क्या पता वो एक्टर भी नहीं है। वो एक्टर वो एक्टर ही है भी नहीं है वो। अच्छा ये जो बंदा है जो अंधा है इस बंदे की काफी फेमस फेमस ऐसे बम्बू गार्ड मूवीज रही हैं। सुपरहिट सुपरहिट कमाल ऐसे ना पूछो बस। सुपर हिट मूवीज रही सुपर हिट मूवीज का ये हिस्सा रहा है। हिस्सा रहा है मतलब वही आपने ये सवाल किया ना उसमें एक्टिंग है इसकी सुपर हिट मूवियों में। सुपर हिट मूवियों में हिस्सा रहा है मूवियों तो सोच कौन सा ऐसा एक्टर है जिसकी डेथ हुई है यार मेरे लिए तो सुपर हिट मूवीज के अंदर मेरे लिए तो सारे मार गए। पॉल वॉकर हो सकता है। पॉल वॉकर और क्या था? पॉल अबे वही इतना इतने छोटे छोटे इंग्लिश का टीचर ना। एक्सीडेंटल हुई है। हाँ तो मूवियों पे कैसे आया तो एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। नहीं दोनों उठ जाओ चाय लेके।
यार तू एज पता कर अब, मरा कब था? यस नहीं नहीं मरा कब नहीं था, वो 2010 के बाद मरा, 11 साल का। सॉरी बिलो 40 पूछ लेते सर। डेथ बिलो 40 थी जब एट द टाइम ऑफ डेथ, एज बिलो 40 थी इनकी? नहीं बिलो 40 नहीं थी। एक्सीडेंटल नहीं हुआ तो फिर तो वो तो निकाल ही दो ना। 40 प्लस बंदा है और यार कोई एजुकेशन या साइंसदान टाइप बंदा कोई हो सकता है? यार वो उसने एक्टिंग कहाँ से करनी है, कूफी नाम था नहीं वो तो अरब से था, था, था वो जो उसमें था काला, नहीं वो उनकी डेथ भी 2010 के बाद ही है। वो जो था वो जो एक जादूगर वाली फिल्म थी उसमें वो बंदा काला आता था, क्या नाम था, बड़ी मशहूर फिल्म थी यार, सुपर हिट फिल्म। हर टाइम मूवीज देखता रहता है, हर टाइम देख बैठा कैसे बंदर बन के बैठा वो सुपर मूवी वो थी वो जिसमें कैमरा मेरे पे क्यों फोकस कर रहा है मुझे दिख रहा है, वो जिसमें 3-4-5 जादूगर होते हैं और उसमें वो बंदा आता है, उसके 2 पार्ट थे और उसमें वो काले रंग का आता है, वो जब भी किसी काले बंदे को दिखाते हैं ना वो उसी को दिखाते हैं, उसका नाम नहीं। मिस्टर बीन जिंदा है? हाँ जिंदा, वो कॉमेडी ने आपने पूछ लिया। चार्ली चपलिन, लेकिन वो 2010 में नहीं मरा। ओए वो पूछे सैफ हम थे, ऑस्कर मिला लेकिन वो कितने सैफ हम पूछ रहे, क्या पूछ रहे? सैफ हम थे, ब्लैक थे तेरी, मेरा पता नहीं क्यों तेरी दिमाग जा रहा है। पूछ ले, तेरा सवाल है तो पूछ ले। कार्लोस आया 7-8 तो कर ही चुके हैं। सही, ये सैफ हम थे? नहीं ये बंदा था ही नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा ऐसे दो क्वेश्चन कर, ये भी हार गए, मैंने कंसीड कर लिया। अगर अबे इधर दिखा, तुमसे कोई काम होता है? अभी देखिए तुम्हारा भाई हार के आता। दो सवालों पे गेम है सारी। अच्छा तूने कहा था मैं हिंट दूंगा, अभी तो अभी तक कोई नहीं दिया था। एंटरटेनमेंट जी, बड़ी फिल्मों में रहा है। बिजनेस के तूने क्या लिखा है, यस नो तो लिखा है? यस 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 बी था। कोई हिंट नहीं दिया, दे हिंट दे, हिंट दे। वो सवाल रिव्यू कर ले अपने एकदम। डेथ तो मैं ऐसे ही करी जाऊं फिलोसोफर में, मैं बिसी था बैठा। तू बता हमें, हाँ हम हिंट के तलबगार हैं, हिंट दे। हिंट सोचने दो ना, ऐसा ही हिंट ना दे दो कि बंदे लागे लागे पहुंचे उसके कि नहीं। नहीं लेकिन ये है कि अब जो बंदा मूवीज देखता है वो आराम से पहुंच जाएगा, मतलब ये आराम से, इतनी आराम से नहीं, मतलब ये है कि यार नाम है उसका दुनिया में। और मैंने क्यों चूज़ किया ना वो भी मैं वजह बताऊंगा, उस बंदे को क्यों चूज़ किया। मैं तो मूवीज, मैं हिंदी नहीं देखता तो मैंने वो कहाँ से देखी, गिनती की 3 फिल्में देखी हुई हैं मैंने। यार अपन ने ये नहीं सोच पूछा ना मरा कब है? 2010 के बाद ही यार। चांट मारनी है सॉरी पीछे से, सॉरी सॉरी। अब मैं चेक कर रहा था तुम लोग गेम में होगे नहीं, बता कंसीड कर हिंट दे, हिंट थोड़ा सा लिखने से भी है उसका। बोल ले, राइटर भी था, फिल्में लिखी भी हैं। माइकल जैक्सन ही है ब्रो? अबे नहीं, माइकल जैक्सन से आप आम था है? हाँ सिंगर पूछ नहीं लिया हमने। हाँ अपनी समझ से बाहर, अपनी भी समझ से टोटल बाहर। चल फिर यार एक मूवी जो अपना तो जब हम अमेरिका गया था अपनी समझ से भी बाहर। क्या कहें कि जी राइटर भी था जो मर चुका है 2010 के बाद, 2010 के बाद मर चुका है। सुपर हिट मूवीज कौन सी? अब ये नहीं पता लगा कोई सीरीज थी फिल्मों की, किसी सीरीज में सवाल काउंट करूंगा। हाँ। क्या है कौन, मतलब सुपरमैन वाला वो जेम्स बॉन्ड वाला, उसकी डेथ हुई है अभी कुछ दिन पहले। किसकी? जेम्स बॉन्ड का जो हीरो था रोजर मूर। हाँ उसकी डेथ हुई है अभी 10 कुछ अर्से पहले, जेम्स बॉन्ड का। वो नहीं था, वो नहीं। पूछ लो वैसे हो सकता है सवाल है। किसी बड़ी फ्रेंचाइज जो होती हैं जैसे 3-4 पार्ट्स सीरीज, उसका हिस्सा रहा है?
हाँ सीरीज का भी रहा है। सीरीज का भी रहा है। अपन को ये सवाल पूछने चाहिए था, अपन कॉमेडियन कॉमेडियन पूछते रहे। ये जेम्स नहीं, लेकिन वो हीरो नहीं था। कौन? तो उसने हीरो का भी नहीं है, उसने कहा सुपरहिट मूवीज का पार्ट था। नहीं, हमने हीरो की यार एक्टर था, ठीक है ना, और राइटर भी था। राइटर पे फोकस करो। अब वो राइटर कुछ भी हो सकता है। दो क्वेश्चन रह गए, एक आखिरी, 19 हो गए हैं। पूछ लो यार। क्विंटिन टारांटिनो वो डायरेक्टर है और वो जिंदा है। हाँ जिंदा है। 007 का हिस्सा था कि नहीं था? जेम्स बॉन्ड की मूवीज का एक पार्ट था। जेम्स बॉन्ड मूवीज में था। हाँ पूछ लो। जेम्स बॉन्ड की मूवीज का पार्ट था वो? नहीं। 20 सवाल हो गए। अब अपन सिर्फ नाम बता रहे हैं। बता। अच्छा जी, जो बंदा चूज किया था मैंने, उसका नाम था स्टैनले। अब स्टैनले को जानते हैं ये सब लोग कि जैसे मैंने कहा कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में आया। अपनी जितने भी सुपर हीरो मूवीज थी जब वो जिंदा था, तो उनमें कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने आप को दिखाता था कि हाँ मैं ही हूँ भाई, कि जिसने इतने सारे करेक्टर बनाए हुए हैं। मैं इंस्पायर उससे इसलिए हूँ कि उसकी क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं है। उस बंदे ने अपनी लाइफ में 300 कैरेक्टर्स जो हैं अपने जहन से ला के कॉमिक बुक में उतार दिए, और उनकी प्रॉपर पावर्स डिफाइन की, उनकी लाइफ स्टोरीज, और फिर उन पे मूवीज़ बनी। आज तक हम देख रहे हैं स्पाइडरमैन, उसके बाद फिर एक्समैन, फिर उसके बाद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इतने सारे हीरोज़ हैं, एवेंजर्स हैं, जिनको हम देखते हैं और एंटरटेन होते हैं। ये सब के सब उसी के करेक्टर्स थे। और अभी तक ये जो मार्वल में हम करेक्टर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ 60 हैं। इसके अलावा भी 240 करेक्टर्स और हैं जो उसने बनाए हुए हैं। तो इसलिए मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उसकी क्रिएटिविटी से और उसकी इमेजिनेशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के एपिसोड में बड़ा मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।